हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यस सर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, एडसॉर्प्शन एंड कोलोइड्स। तो क्या होता है एडसॉर्प्शन? जी हाँ, एक फेनोमेना है जिसे हम इस चैप्टर के दौरान काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो है कोलोइड्स। ठीक है, तो पहले हम एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में। ये सारे फिनोमेना जो हैं ये सरफेस पे होते हैं, तो इसे हम ब्रांच ऑफ सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जी किसमें? जी हाँ, सरफेस केमिस्ट्री। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन पे ही होने वाली है। व्हेन अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन अ मिल्क एंड टेकन आउट, जैसे ही आप एक चम्मच को डिप करते हो या इंसर्ट करते हो मिल्क में और बाहर लेते हो, तो आप देखते हो कि मिल्क की एक पतली लेयर स्पून के ऊपर आ गई है। मतलब जो स्पून है वो कवर हो गया है मिल्क की पतली लेयर से। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इफ़ अ कोल्ड वाटर बॉटल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड केप्ट ऑन अ टेबल फॉर अ वॉइल, अगर आपने फ्रिज में से एक ठंडी पानी की बॉटल निकाली और थोड़ी देर आप रखते हो, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। वो कैसे होता है? जी हाँ, वाटर वेपर इज सीन टू कंडेंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ दी बॉटल। जो हवा में वाटर वेपर होती है वो बॉटल के सर्फेस पे कंडेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर हवा में है उसे एक सर्फेस मिल जाता है और वो सर्फेस के ऊपर कंडेंस हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। हियर द मिल्क पार्टिकल्स और द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर गेट्स एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस, नेमली द स्पून एंड द बॉटल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मिल्क था वो चम्मच के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, और ठीक उसी तरह जो वाटर वेपर भी है वो ठंडे बॉटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये एक फेनोमेना है जिसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? जी हाँ, एड्सॉर्प्शन। आगे देखिए। मैनी अ सर्फेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर एक्सपोज टू एटमॉस्फियर, हमारे अराउंड बहुत सारे सरफेस ऐसे हैं जो एटमॉस्फियर को एक्सपोज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अदर गैस सच एज N2O2 फ्रॉम द एयर फॉर्म एन इनविजिबल मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म ऑन दीज ऑब्जेक्ट। वाटर वेपर के अलावा जो बहुत सारी गैसेस हैं जो हवा में मिलती हैं सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी भी किसी भी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। जैसे घर की दीवारें होती हैं उस पर ढेर सारा डस्ट बैठा होता है। जी हाँ, या फिर इनविजिबल लेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस की भी लेयर होती है। इनविजिबल क्यों? क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है। दिस इज़ नोन एज फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। मतलब आपने समझ लिया होगा, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे बैठ जाता है तो फिनोमेना को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है और उसमें दो पार्टिकल दिखाए गए हैं। ये कहाँ पे देख रहे हैं? ये पार्टिकल एक ये है और ये एक पार्टिकल है। दोनों पार्टिकल को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे होंगे जो पहला पार्टिकल है उसे सेम पार्टिकल सारे साइड से अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। ये जो फोर्स है ये कोहेसिव फोर्स है। जी हाँ, कौन सा फोर्स है? जी हाँ, कोहेसिव फोर्स, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सिमिलर काइंड। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड से पार्टिकल खींच रहा है, इस साइड से खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है। बट अगर ये वाला पूरा पार्ट देखें तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ऑफ सेम काइंड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो, और इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। मतलब ये पार्टिकल नीचे की तरफ खींचा हुआ है, ऊपर से इसे कोई खींच नहीं रहा है। मतलब नेट फोर्स नॉन ज़ीरो है, मतलब ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आ समझ में? तो
अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि ये पार्टिकल स्टेबल नहीं है या फिर बैलेंस नहीं है। तो ये भी चाहता है कि इसे भी इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, इसीलिए ऐसा करने के लिए वो भी ये जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होंगे उसे एड्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। सिंपली बोलूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, ये होता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से। चलिए एक सिचुएशन देता हूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल था उसका जो दर्द था वो ज़ीरो था, बट इसका जो दर्द है वो ज़ीरो नहीं है। तो ये भी चाहता है कि इसका दर्द कम हो जाए, इसीलिए ये अपने ऊपर जो भी सरफेस पे मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल आते हैं उन सबको ये अपनी तरफ खींचता है। और ऐसे करने की प्रक्रिया में वो पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाते हैं और उस फेनोमेना को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। अब इसे ही एक्सप्लेन किया गया है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा ए जो मॉलिक्यूल है उसे बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं और जो बी है वो सरफेस पे है। तो इन शॉर्ट बल्क मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स ज़ीरो है और सरफेस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है। एड्सॉर्प्शन। कंसीडर अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड। आप किसी लिक्विड या फिर सॉलिड का सरफेस ले सकते हैं। द मॉलिक्यूलर फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड आर अनबैलेंस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इन अनसैचुरेशन स्टेट, मतलब वो सैचुरेशन में नहीं है। इन सॉलिड द आयंस और द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल डू नॉट हैव देयर फोर्सेस सेटिस्फाइड बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर पार्टिकल। सेम चीज़ जो आपने लिक्विड में देखा सेम वही होता है। अगर कोई सॉलिड सरफेस लिया है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है सरफेस पे इनका जो फोर्स होता है ये अनबैलेंस होता है, बट जो बीच में पार्टिकल है इनके फोर्स बैलेंस होते हैं। तो सरफेस वाले पार्टिकल क्या करते हैं? जी हाँ, वो अगल बगल के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ताकि उनके ऊपर वो बैठ जाएं और उनका भी नेट फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो। बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस टेंड्स टू अट्रैक्ट गैसेस और डिजॉल्व सब्सटेंसेस विथ विच दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसके वजह से वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। दस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। ऐसी प्रक्रिया के वजह से जो सॉलिड और लिक्विड के सर्फेस हैं, जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू टेल व्हाट इज़ एड्सॉर्प्शन? जी हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है। जी हाँ, द एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या आप कह सकते हैं? द एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सर्फेस ऑफ अनादर सब्सटेंस। द फेनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सर्फेस ऑफ अनादर सब्सटेंस ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। तो मैं एक बार ज़रा सा सारी लाइन को ज्वाइन करके बोलूँगा, मतलब सारे वर्ड्स को, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। द फेनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सर्फेस ऑफ अनादर सब्सटेंस ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, व्हाई डज एड्सॉर्प्शन अकर, एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि इस पूरे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम की डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। अब सिस्टम क्या है? जी, सिस्टम में दो पार्ट है। यहाँ पे एक है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एक वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है और एक दूसरा सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब हो रहा है। और ये डेल्टा जी क्या है जो नेगेटिव होता है? तो हाँ प्यारे बच्चों, इसके लिए आप मेरी सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, जी हाँ, जो कि स्टेट बोर्ड की नहीं है, जिसमें हमने जेई लेवल पे इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है। बिलीव मी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये तो एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि अनबैलेंस फोर्स होता है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पर एड्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपको रियल में फील लेना है कि एक्चुअल में ये होता क्यों है, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में मेरी यो वीडियो देखिए, ओके? जो इंट्रोडक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन है, प्लेलिस्ट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री।
द एडसॉर्प्शन फेनोमेना इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन फोर्स। जी हाँ, ये एक टाइप का फोर्स है जिसे हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, जिसे हम मोमेंटरी डाइपोल, एंड इंड्यूस डाइपोल की भी कहते हैं। मोमेंटरी डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, ये मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। और वेंडरवाल फोर्सेस, ये इन फोर्सेस के कारण होता है। दीज आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस, दीज आर शॉर्ट रेंज एंड एडिटिव, और एडिटिव होते हैं मतलब जुड़ने वाले होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता वहाँ पे भी लंडन फोर्स होता है। मतलब लंडन फोर्स एग्जिस्ट इन ऑल काइंड ऑफ बॉडीज। अगर आप दो चौक को भी नज़दीक लेके आ रहे हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स हो चाहे ना हो, एक लंडन फोर्स तो हमेशा होता है। आगे देखिए, द एड्सॉर्प्शन फोर्स इज़ द सम ऑफ ऑल इंटरैक्शंस बिटवीन ऑल दी एटम्स। द पुलिंग इंटरैक्शन कॉज द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड टू टाइटन लाइक एन इलास्टिक फिल्म। अगर मैं लिक्विड के सर्फेस की बात करूँ, सपोज़ ये लिक्विड का सर्फेस है, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड को आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये सपोज़ लिक्विड के सर्फेस के पार्टिकल हैं, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे को अगल बगल खींचते रहते हैं। मतलब सपोज़ ये पार्टिकल है तो इसको ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये इधर खींच रहा है। तो जो लिक्विड का सरफेस है, एक एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब जैसे खींचा हुआ मेम्ब्रेन है, जैसे आप प्लास्टिक की थैली को पकड़ के खींच रहे हैं। अ मेजर ऑफ द इलास्टिक फोर्स एट द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड इज़ कॉल्ड एज सर्फेस टेंशन। इस फोर्स के मेजरमेंट को, इलास्टिक फोर्स के मेजरमेंट को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। जब आप उसे मेजर कर लेंगे किसी भी लिक्विड के सरफेस पे, तो उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब आपने पढ़ लिया होगा। मैंने तो फ़िलहाल अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाई है, वो है चैप्टर कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर, बट जल्द ही उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। द सरफेस टेंशन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए, आप सरफेस टेंशन के बारे में ये बता रहे हैं। सरफेस टेंशन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और इंक्रीज द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड बाई अ यूनिट एरिया। मतलब सरफेस टेंशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितनी एनर्जी लगती है ताकि हम लिक्विड के सरफेस को और बढ़ा सकें स्ट्रेचिंग करके, और यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया कैन बी 1 मीटर और इट कैन बी 1 सेंटीमीटर। देर इज़ अ टेंडेंसी टू हैव मिनिमम सर्फेस टेंशन, दैट इज डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी। हर एक लिक्विड क्या चाहता है कि उसका जो सरफेस टेंशन है, वो कम हो जाए, और उसे ही हम कहते हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, विच लीड्स टू एड्सॉर्प्शन। द टर्म इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन आर। अब यहाँ पे आपने एक शब्द देखा होगा, फ्री एनर्जी। जी हाँ, यही था डेल्टा जी। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा पैरा है आपको नहीं समझा हो अच्छे से, तो इसे समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वीडियो देखिए। ये स्टेट बोर्ड वाली नहीं, एक आप देखेंगे जो कि अलग है, जिसमें मैंने एक बोर्ड पे और एक मैग्नेटिक पेन से एक्सप्लेन किया है। आप उसे ज़रूर देखिए, आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आगे देखिए, टर्म्स इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्बेंट, द मटीरियल और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क ऑन द सर्फेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। इन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी डेफिनेशन दी है, लेकिन लिखना तो यही है एग्जाम में। मैं इन सिंपल बताऊँ तो जिस सरफेस के ऊपर फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे ही हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। जैसे जैसे सपोज आपके घर में एक टेबल है और जो रूम था वो काफ़ी दिन से बंद था, तब होता क्या है? जी हाँ, इस टेबल के ऊपर ढेर सारा डस्ट बैठ जाता है, तो ये जो टेबल का सरफेस है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। और डस्ट पार्टिकल को क्या कहेंगे? जी हाँ, एड्सॉर्बेंट। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने क्लासरूम में बेंच पे बैठते हो, तो जो बेंच है उसे आप कहोगे एड्सॉर्बेंट, और आप बैठ गए तो आप हो जाओगे एड्सॉर्बेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ़र्क इस चीज़ का है, आप याद रखिएगा, बेंट और बेट, बेंट और बेट। द सब्सटेंस गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑन द एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन देख लेते हैं। यू नो,
दैट व्हेन कॉटन इज डिप्ड इन वाटर, जब हम कॉटन को वाटर में डाल देते हैं, कॉटन बिकम्स वेट विथ वाटर विच इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, विच इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। देखिए एक ये अपोजिट फिनोमेना है किसका, एड्जॉर्प्शन का। अब जैसे मैं आपको बता रहा, सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, एड्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है। अब जब आपने कॉटन को पानी में डाला, तो उसमें जो पानी है वो सब जगह चला गया, अंदर भी फैल गया, ठीक है। तो ये सब जगह चला हो गया, तो ये कौन सा फिनोमेना है? जी हाँ, बल्क। बल्क मतलब लार्ज, पूरी बॉडी में फैल गया, तो इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली अलग है एड्जॉर्प्शन से। हम आगे चल के इसका डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाय फाइनली डिवाइडेड मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पलेडियम, कॉपर, निकल एसेट्रा। आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो आप प्लैटिनम एंड पलेडियम मेटल या फिर रैनी निकल मेटल यूज़ करते हो, क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करने की। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाय एक्टिवेटेड चारकोल, बाय एक्टिवेटेड चारकोल। जी एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक ऐसा चारकोल जब हम उसे 1273 केल्विन पे गर्म करते हैं स्टीम के प्रेजेंस पे, तो चारकोल के सरफेस पे जो भी या अंदर जो भी गैस एड्जॉर्ब होती है वो निकल जाती है, तो जो चारकोल बचता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। और उसी एक्टिवेटेड चारकोल पे नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एड्जॉर्ब हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हो गया। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक एन ऑर्गेनिक डाई, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक एन ऑर्गेनिक डाई, फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू ये एक टाइप की डाई है, डाई मतलब कलरिंग एजेंट। व्हेन चारकोल इज एडेड टू मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन एंड शेकिन, मतलब आप मिथिलीन ब्लू के सोल्यूशन में इस चारकोल को डाल दीजिए। सपोज ये चारकोल है और आपने इसे मिथिलीन ब्लू के सोल्यूशन में डाल दिया, तो ये क्या करेगा? जी हाँ, मिथिलीन ब्लू के जो पार्टिकल्स है उसको सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कलरलेस। इट बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम एज डाई मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। वो चारकोल के सरफेस पे क्या हो जाएंगे? जी हाँ, बैठ जाएंगे। टेबल 11.1 शोज कंपेरिजन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आगे हम एक टेबल पढ़ने वाले हैं जो हमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंशिएशन बताएगा, बट लगे हाथ हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, एड्सॉर्ब सरफेस सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट वॉज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। जनरली ये गैसेस के केस में होता है, जब कोई गैस सपोज एक सॉलिड के ऊपर बैठी हुई है तो ये एड्सॉर्प्शन हुआ है, और आपने सपोज इस सरफेस को हीट कर दिया तो गैस इस सरफेस को छोड़ के चली जाती है, तो इस फेनोमेना को कहते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब जैसे अगर आप एक बेंच पे बैठे थे थोड़े देर के लिए और ये बेंच गर्म होने लगी तो आप तुरंत इस पे से उठ जाओगे, तो उसे कहेंगे डिसॉर्प्शन। तो जब एक गैस सॉलिड के सरफेस को छोड़कर चली जाती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो उस फेनोमेना को कहते हैं हम डिसॉर्प्शन। या फिर इन शॉर्ट बोलूँ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पे है ये एड्सॉर्प्शन और यहाँ पे है ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्ब मैटर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट दी सर्फेस, तो एड्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, इसीलिए एक सरफेस फेनोमेना है, एंड डज नॉट पेनीट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ एड्सॉर्बेंट। बल्क मतलब पूरे एड्सॉर्बेंट के भीतर, यहाँ पे ये नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? जी हाँ, सरफेस पे। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, देखिए यहाँ पे लिखा है। और दूसरी चीज़ देखिए एब्जॉर्प्शन में, द एब्जॉर्ब्ड मैटर इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एज वेल एज एट द सरफेस ऑफ द बल्क ऑफ सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोम, मतलब अगर ये एड्सॉर्बेंट है तो एड्सॉर्बेंट यहाँ पे आ जाएगा पूरा अंदर। एड्सॉर्बेंट कहाँ जाएगा?
जी हाँ पूरा। और मैं यहाँ पे एड्सॉर्बेट कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सपोज ये एक सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस इसके पूरे अंदर आ गया और सरफेस पे भी थोड़ा बहुत आ गया, बट अंदर की तरफ जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा आया कंपेयर टू सरफेस, तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। जो कि अभी ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे ही आपने कॉटन को पानी में सोक किया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक फिनोमेना होता है जिसे हम जॉर्प्शन भी कहते हैं। जॉर्प्शन, जॉर्प्शन में जितना जितना सब्सटेंस बल्क में जाता है, मतलब जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाता है उतना ही सरफेस पे भी होता है, तो उसे हम जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे आपने कॉटन को इंक में सोक कर दिया, किसमें? इंक में। हमारे जो कपड़े बनते हैं वो एग्जाम्पल हैं जॉर्प्शन के, क्योंकि कलर थ्रेड के अंदर भी होता है और थ्रेड के बाहर भी होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज़ हाई ओनली एट दी सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्बेट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होता है? जी हाँ, सरफेस पे। और जबकि आप एब्जॉर्प्शन में देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ दी एड्सॉर्बेंट। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों एड्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि अगर अगर एड्सॉर्बेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, ये जो एड्सॉर्बेट है वो उस पर बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि एड्सॉर्बेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेशर को बढ़ा दें, अगर आप प्रेशर को बढ़ा दें, जी हाँ किसका? एड्सॉर्बेट का, तो गैसेस इजीली इस सरफेस पे बैठेंगी। मतलब ये फेवर करता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, अगर ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब आगे देख लीजिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे टेम्परेचर और प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज़ एकॉम्पनाइड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें हीट निकलती है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। जब दो सब्सटेंस कांटेक्ट में आते हैं, इसका मतलब क्या, उनके बीच में फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जब नज़दीक आते हैं तो इनमें वीक बॉन्ड बनता है, और जब भी बॉन्ड बनता है हम सब जानते हैं देर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो जनरली मैं अपने लेक्चर में यूज़ करता हूँ, कि अगर आपको बॉन्ड की एनर्जी फील करना है, अगर आपको बॉन्ड की एनर्जी फील करना है तो आप मरीन लाइन चले जाइए, बहुत ही फेमस प्लेस है मुंबई में। वहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉन्ड बनते रहते हैं एंड यू कैन फील द एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी एक टाइप का एड्सॉर्प्शन ही है। चलिए मजाक अपार्ट रखते हैं, पढ़ाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन, इट इज़ नॉट अकम्पनाइड बाय एनी एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें ना तो हीट निकलती है और ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है। अब ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। मान लीजिए एक चारकोल है, ऐसे है ये रैंडम, तो जो गैसेस थी वो कहाँ पे बैठती थी? जी हाँ सरफेस पे, चारकोल के सरफेस पे। थोड़ा बहुत अंदर भी जा सकती हैं अगर चारकोल पोरस है तो। सपोज मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब यही चारकोल पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब होगा क्या? जी हाँ, अब गैसेस जो है ऊपर भी बैठेंगी, नीचे भी बैठेंगी और अंदर भी जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होगे कि ये तो सरफेस पे भी होता है, मतलब सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। आगे देखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इसे सरफेस एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस और अ लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एसिटिक एसिड के पार्टिकल जो हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH, जिसे हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ इथेनॉइक एसिड। एग्जाम्पल, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन। देखिए कॉटन वाला एग्जाम्पल आ गया जी, अगर मैंने एड्सॉर्प्शन कहा तो माफ़ी चाहूँगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। बाय ब्लॉटिंग पेपर एक टाइप का मटेरियल है जो इंक को सोख लेता है।
ट्राई दिस, डिप अ चॉक इन इंक, एक चॉक ले लीजिए और उसे, आपको पता होगा आप जनरली कैमलिन का इंक लेते रहेंगे, उस कैमलिन के इंक में चॉक को डिप कर दीजिए एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप अपना ऑब्जर्वेशन हमें बताइए, ओके जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो हमें बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजिए। एक्चुअल में आगे तो ये एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ मैं क्योंकि ये दिया हुआ है, बट फिर भी आप तुरंत सोचिए और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा ये करने पे तुरंत उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़ॉप्शन देखिए आ गई है जो मैंने पहले बताया था, ज़ॉप्शन व्हेन अ चॉक इज डिप्ड इन इंक, इंक मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब एट दी सरफेस ऑफ चॉक, जो इंक मॉलिक्यूल है वो चॉक के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे एंड सरफेस बिकम्स कलर व्हाइल द सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीपर इनटू द चॉक। मतलब अगर आपने चॉक को इंक में डिप किया तो जो डाई के पार्टिकल हैं वो चॉक के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जबकि जो सॉल्वेंट है वो अंदर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अंदर तक। व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इट इज़ नोन एज ज़ॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ज़ॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जी हाँ, ये सरफेस पे भी होता है और ये अंदर भी होता है और दोनों पे इसका जो एक्सटेंट होता है वो सेम होता है। अभी आगे देखिए लिखा गया है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि एड्सॉर्प्शन के दो प्रकार होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस इन्वॉल्व। कहाँ पे फोर्स? जी हाँ, फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, बेट और बेंट के बीच में कौन सा फोर्स है, कौन सी वो चीज़ है जो इन दोनों को जोड़ रही है, और जोड़ रही है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। देखिए फोर्स होता है हर जगह, क्या होता है फोर्स, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई तो फोर्स है, ये फ्रेंडशिप का फोर्स हो सकता है या फिर कोई और प्रकार का फोर्स हो सकता है, वो आप ही समझ सकते हो। तो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन को देख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे एक दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। व्हेन एड्सॉर्बेंट सच एज गैस मॉलिक्यूल आर एक्यूमुलेटेड एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड, जब गैस सॉलिड के सर्फेस पे एक्यूमुलेट हो जाती है ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स। अब वैन डर वाल फोर्स कौन कौन से हैं? जी हाँ, वैन डर वाल फोर्स कौन कौन से हैं? जी, वैन डर वाल फोर्स में आता है अपना लंडन फोर्स, देन कम्स डाइपोल डाइपोल, एंड देन कम्स डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये तीन टाइप के फोर्स आते हैं, मैं वापस बताता हूँ, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल जो कि दो पोलार स्पीशीज़ के बीच में होता है, और एक होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जिसमें एक स्पीशीज़ तो पोलर होती है लेकिन दूसरी नॉन पोलर होती है। प्यारे बच्चों, इस टर्म्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है, आगे देखिए द वैन डर वाल फोर्सेज आर सिमिलर टू फोर्सेज कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। वैन डर वाल फोर्स वही होते हैं जो जो वेपर का कंडेंसेशन कराते हैं, वेपर का, जैसे वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में जब जब आप उसे कंडेंस कराते हो, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि जैसे ही आप ठंडे पानी की बोतल फ्रीज़र से निकालते हो तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ठंडे पानी की बोतल पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं और आपस में एक्यूमुलेट होके लिक्विफाई हो जाते हैं। दस हीट इज़ रिलीज्ड इन फिजियोजॉर्प्शन, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के टाइम पे हीट रिलीज होता है। द हीट रिलीज ड्यूरिंग फिजियोजॉर्प्शन इज़ दी सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इस प्रोसेस के दौरान, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है आप वेपर के पार्टिकल को नज़दीक लेके आ रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है उनके काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हो, वरना काइनेटिक एनर्जी नहीं कम करोगे तो वेपर पार्टिकल नज़दीक क्यों आएंगे, और नज़दीक नहीं आएंगे तो वो कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है आप उनको नज़दीक ला रहे हो, मतलब आप उनकी हीट एनर्जी को कम कर रहे हो। तो फिज़िकल एड्सॉर्प्शन के टाइम पे जो हीट निकलती है, जो हीट निकलती है वो इसलिए निकलती है क्योंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स आ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एक वीक बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी रिलीज़ करके और सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप केमिस्ट्री में बच्चों एक चीज़ समझ के चलिए, मिनिमम द एनर्जी मैक्सिमम इज़ द स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री में तो ये नारा चलता है,
जहाँ पे एनर्जी कम वहीं पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। आप देखिए एक बूढ़ा इंसान कैसे एकदम शांत रहता है, बेचारे के पास एनर्जी कितनी कम होती है मेरे भाई। और वहीं पे एक प्यारे बच्चे को देखिए, नवजात शिशु को, कितना एक्साइटेड, कितना एनर्जेटिक। क्यों? उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, फ्रेश ब्लड है उसका। ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह जा गया मैं। आपको बताना चाहूँगा कि फिजियोडॉप्शन के दौरान जो हीट निकलती है वो उतनी ही हीट तब निकलती है जब आप लिक्विड वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ड्यू टू वीक नेचर ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस ड्यू टू वीक नेचर ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेस फिजियोडॉप्शन इज ऑल्सो वीक इन नेचर। फिजियोडॉप्शन भी क्या होता है? वीक होता है। द एडसॉर्ब गैसेज फॉर्म अ सेवरल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल एट हाई प्रेशर। मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब है कि सपोज़ ये एडसॉर्बेंट है तो इसके ऊपर सपोज़ एक लेयर बनाया है, किसने? एडसॉर्ब गैसेज ने। उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर भी बना देते हैं और फिर तीसरी लेयर बनती है और फिर चौथी, ऐसे मल्टीपल लेयर बन जाती है, मल्टीपल लेयर। तो एक चीज़ आपने क्या सीख लिया? जी हाँ, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज़ अ मल्टी लेयर फिनोमेना। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो फोर्स चाहिए वो तो काफ़ी वीक चाहिए ना, तो वीक फोर्स तो है ही, तो ये लेयर बाय लेयर बैठती जाएंगी। बट प्रेशर क्या होगा? हाई, मतलब ये जो गैस है ये हाई प्रेशर पे आ रही है। द इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड रैपिडली। इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड रैपिडली। क्यों? इक्विलिब्रियम तो हम मानते हैं एक स्टेज ऐसा आएगा जितनी गैस पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही गैस पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ के भी जा रहे हैं। तो मतलब एक एड्जॉर्प्शन हो जाएगा और एक डिजॉर्प्शन, मतलब दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, थोड़ी देर के बाद द फिजियोज ऑप्शन इज रेडियली रिवर्स बाय लोअरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। मतलब आप डिजॉर्प्शन कर सकते हैं कैसे? मतलब फिजियोज ऑप्शन इज रेडियली रिवर्स बाय, मतलब ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है इसे आप रिवर्स कर सकते हैं गैस के प्रेशर को कम करके। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गैस के प्रेशर को कम करने से क्या होगा। गैस के प्रेशर को आप कम कर देंगे तो गैस जल्दी से इट्स सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं होगी, एड्सॉर्ब नहीं होगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है रेजिंग द टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, अगर गैस मॉलिक्यूल, मतलब एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्ब मैं बेट की बात कर रहा हूँ, एड्सॉर्बेट, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो गैस पार्टिकल एड्सॉर्ब हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेट होंगे तो क्या करेंगे? जी हाँ, ये सरफेस के छोड़ के चले जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमीज़ॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमीज़ॉर्प्शन। केमीज़ॉर्प्शन वॉज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड इन 1916। 1916 में अमेरिकन केमिस्ट जो हैं जिनका नाम है इरविन लैंगमुर, इरविन लैंगमुर, इनका जो ये जीवन काल है 1881 से लेके 1957 तक, इसमें उन्होंने 1916 में केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ाई की थी। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और एड्सॉर्बेट बाय मीन्स ऑफ द सॉलिड और एड्सॉर्बेट बाय मीन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे एड्सॉर्बेंट होना चाहिए क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो एड्सॉर्बेंट होंगे और जब वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे सॉलिड पे या फिर एड्सॉर्बेंट बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। मतलब सिंपल स्पीकिंग यहाँ पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोवेलेंट सॉरी केमिकल बॉन्ड बनने वाला है और केमिकल बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, दैट इज़ ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोवेलेंट भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में आप कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जी हाँ, वो किसके बीच में बनता है? जी दो नॉन मेटल के बीच में। और कैसे बनता है? जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब केमिकल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंस ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमीज़ॉर्प्शन। केमीज़ॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ओके, ये कहीं पे भी नहीं हो जाता, यहाँ पे जब बॉन्ड बनने की गुंजाइश होगी तभी ये बनेगा। केमीज ऑप्शन इन्वॉल्विंग द गैस सॉलिड एज द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक। मतलब केमीज ऑप्शन जब गैस और सॉलिड के बीच में होता है तो वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इट मीन्स दैट हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है।
द एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन है ऑन ग्लास इज़ एंडोथर्मिक, ग्लास के ऊपर हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट आती है, हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस इज़ ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली होता क्या है, जब ग्लास सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब होता है तो एच और एच के बीच के बॉन्ड को टूटना होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो सराउंडिंग से जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है उसके बाहरी भाग से एनर्जी ली जाती है। सर, सराउंडिंग से एनर्जी कैसे आती है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि टेम्परेचर जनरली जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 25 किलो कैल की एनर्जी अवेलेबल होती है। तो अगर किसी रिएक्शन को इससे कम एनर्जी चाहिए तो वो सिंपली सराउंडिंग से फ्रीली ले सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी सराउंडिंग में हमारे अवेलेबल होती है। दिस इज़ ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। द हीट इवॉल्व इन केमिसॉर्प्शन पर मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज़ नियरली सेम इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज दैट अकम्पनाइंग अ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जब एड्सॉर्प्शन होगा और एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो सेम रिलीज़ होती है जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रिफर्ड एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। मतलब क्या, केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए कुछ एनर्जी पहले से ही लगती है। मतलब जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होना रहता है उसके पहले ही कुछ हीट एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसे कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इसे लगती है। ठीक है, मतलब एकदम लो टेम्परेचर पे केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कुछ हीट चाहिए, स्टार्टिंग में हीट चाहिए होती है, और फिर जब बॉन्ड बनता है तो फिर हीट रिलीज़ होती है। अब आप सोचते होंगे, सर स्टार्टिंग में हीट क्यों लगती है और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या लिखा है? तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये एक सॉलिड सरफेस है, ये एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर आपको किसी गैस को एड्सॉर्ब कराना है। बेसिकली यू वांट टू डू केमिकल एड्सॉर्प्शन। जी हाँ, आपको क्या कराना है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में कोई गैस आएगी यहाँ पे, मान लीजिए ये निकल का सरफेस है और आप चाहते हो कि हाइड्रोजन इस पे एड्सॉर्ब हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा, हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो जब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे, पहले ये बॉन्ड मान लीजिए टेम्पररी टूट रहा है और यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन रहे, तो इस बॉन्ड के टूटने के लिए एनर्जी लगेगी, मान लीजिए 20 किलो जूल की एनर्जी लग गई। मैं ऐसे ही एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो एग्जैक्ट अगर मुझे बोलना हो तो मुझे हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बताना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगता है, जो कि समवट अराउंड 460 किलो जूल पर मोल के अराउंड होता है। मतलब 460 किलो जूल लगता है, बट आप रफली मान लीजिए 20 किलो जूल की एनर्जी अगर मैंने ट्रांसफ़र कर दी तो ये बॉन्ड पार्शियली टूटेगा और ये नया बॉन्ड बनने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और फिर एक बॉन्ड के टूटने से नए बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी सपोज़ 80 किलो जूल। तो ये क्या हो गया, जी हाँ, एनर्जी रिलीज़ हो गई 80 किलो जूल। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, -20 + 80, मतलब कितना, जी हाँ 60। ओ, साइन थोड़ा गलत हो गया, इसे चेंज करना होगा। आ, 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 मैं भटक गया। तो ये हो गया +20 - 80, -60 किलो जूल की एनर्जी रिलीज़ हो गई। तो पहले तो थोड़ा टेम्परेचर लगता है, फिर बाद में इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो एनर्जी स्टार्टिंग में यूज़ हुई थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये जो 20 किलो जूल की एनर्जी थी, यही क्या हो जाएगी, जी हाँ, यही एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लगता है। ओके, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं थोड़ा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर ही इस एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। चलिए अभी आगे देखते हैं, केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा था,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्रोसेस तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने ही हमें ली चटलिया प्रिंसिपल में ऐसा पढ़ाया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बट आप मेरे दिए हुए एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझिए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, बट एक बार जब एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, फिर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये प्रोसेस आगे नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बन गए फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब हाइड्रोजन और निकल के बीच में बॉन्ड बन गया है फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तब फिर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब तब ये बॉन्ड टूटने लगेंगे। तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे ही ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं हम। चलिए इसे हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम केमीज ऑप्शन और फिजियोज ऑप्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे। एज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन हैव एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन बढ़ता है, बट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर केमीज ऑप्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया अभी कि और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन और निकल का बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। एज केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स, देखिए वही लिखा है यहाँ पे, सम टाइम एट लो टेम्परेचर फिजियोज ऑप्शन अकर विच पासेज इंटू केमिकल एड्सॉर्प्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लो टेम्परेचर पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, बट धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो पहले तो अगर आपने टेम्परेचर कम रखा है तो गैस का क्या होगा, जी हाँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी हाँ प्यारे बच्चों केमिकल एड्सॉर्प्शन में। बिसाइड केमीज ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, बिसाइड्स केमीज ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, जबकि हम सब ने वहाँ पे यही पॉइंट पढ़ा था कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखिए फिजियोज ऑप्शन और केमीज ऑप्शन में डिफरेंस है, द फोर्सेज ऑपरेटिंग आर वीक वेंडरवॉल फोर्स, ये बहुत ही वीक वेंडरवॉल फोर्स होते हैं, बहुत ही वीक, जैसे लंडन फोर्स, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, और यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ऑल गैसेज एड्सॉर्ब ऑन ऑल सॉलिड, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी होते रहता है ये। फॉर एग्जाम्पल ऑल गैसेज एड्सॉर्ब ऑन चारकोल, सारी गैसेज चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती हैं, ये काफ़ी स्पेसिफिक है, हर जगह नहीं होती। अकर्स ओनली वेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, तभी होता है जब केमिकल बॉन्ड बनने की गुंजाइश होती है, किसके बीच में, जी हाँ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, जैसे कि एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन, जैसे कि जब ऑक्सीजन टंगस्टन पे एड्सॉर्ब होता है, जब एड्सॉर्ब होता है तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन और निकल। देखिए प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तीसरा पॉइंट देखिए, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ लो एंड लाइज इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, फोर्स कौन सा है, आप की पॉइंट बना सकते हैं, फोर्स कौन सा है, ये स्पेसिफिक है या नहीं है, इसमें हीट कितनी रिलीज होती है, ये कब होता है, ऐसे सब की पॉइंट आप बना लीजिए। तो पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट की पॉइंट से ही आप काम चला लेंगे। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लाइज इन द रेंज ऑफ 40 to 200 किलो जूल पर मोल, इतनी ज़्यादा हीट क्यों, क्योंकि हाँ यहाँ पे बनता है केमिकल बॉन्ड। आगे देखिए, अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर पे होता है, लो, और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे ये डिक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों, लो टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, जस्ट एक वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट है, बेट बेट, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे, जबकि यहाँ पे ये फेवर होता है कुछ टेम्परेचर पे, और फिर एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इज़ लोअर्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए इसके लिए एक ग्राफ ही बना देता हूँ मैं, टेम्परेचर का इफेक्ट जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आप देखें, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन,
और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखें तो ग्राफ ऐसे आता है जिससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए, जब टेम्परेचर कम था तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा, जब टेम्परेचर ज़्यादा तो एडजॉर्प्शन कम। जबकि जो इसका ग्राफ है ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे ये देखिए, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और ये टेम्परेचर है। तो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ इसे, ये सपोज़ ऐसे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और यहाँ पे है टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं ये पीक है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन होता है। बट अगर इसके ऊपर भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एट लो टेम्परेचर N2 गैस इज फिजिकली एड्जॉर्ब ऑन आयरन। एट लो टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस फिजिकली, मतलब एक टाइप का फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं N2 गैस का केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। देखिए, फॉर्म अ लेयर ऑफ आयरन नाइट्राइड विच एब्जॉर्ब्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर क्यों लगा? जी हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर लगेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, और ये प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं उसे आप फिर निकाल सकते हो, उसे आप फिर क्या कर सकते हो, डिजॉर्ब करा सकते हो इजीली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बट यहाँ पे क्या है, एक बार जब बॉन्ड बन गया तो वो फिर रिवर्स नहीं होता, तो ये इरिवर्सिबल है। अब आगे देखिए, फिजियोजॉर्ब लेयर में भी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एड्जॉर्ब पार्टिकल अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जो एड्जॉर्बेट है उसकी मल्टी लेयर बन जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, जबकि केमीज ऑप्शन इज़ अ मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, सिर्फ एक ही लेयर बनेगा। क्योंकि होगा क्या, जब सरफेस पे एड्जॉर्ब हुए हैं पार्टिकल वो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के एड्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर फिर बॉन्ड बनने वाला नहीं था। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, और हमारी आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं